नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। धुमाट पंचायत को गौनाहा सीओ ने किया निरीक्षण। गौनाहा जमुनिया से धर्मेश्वर कुमार की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड के धुमाट पंचायत अंतर्गत बुधवार को सीओ के द्वारा योजनाओं की जांच की गई। गौनाहा के अंचल अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि राज्य के उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रचंड, आंगनबाड़ी, जन वितरण प्रणाली, पैक्स, स्वास्थ्य भवन, नल जल, स्वास्थ्य केंद्र, लाइसेंसी खाद दुकान, पंचायत भवन समेत कई योजनाओं का किया गया जांच। उन्होंने बताया कि जांच के दरमियान कुछ स्थानों पर जो कमियां पाई गई उसे अविलंब सही कराने के निर्देश दिया गया। प्रसन्न प्लस टू विद्यालय में नामांकन के अनुरूप बच्चों की उपस्थिति नहीं मिलने पर अंचल अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 450 नामांकित छात्रों में करीब 100 बच्चे ही उपस्थित पाए गए हैं। प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि वर्षा के कारण बच्चों की उपस्थिति में कमी हुई है। साथ ही उन्होंने सीओ से शिकायत करते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। सिर्फ 6 शिक्षक के भरोसे सभी वर्ग के बच्चों को पठन पाठन का कार्य कराने में दिक्कत होती है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुनील महतो, आवास सहायक वीरेंद्र यादव, अमीन मंजय कुमार, उप मुखिया सुजीत राय आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़, बेतिया।